प्रेगनेंसी में क्या आप भी किशमिश खाती हैं? किस मात्रा में खाना चाहिए, क्या आपको ये पहले से पता है? आप खाती हैं तो क्या आपको पता है कि किशमिश से आपको या फिर आपके बच्चे को क्या फायदा होने वाला है और ये कब नुकसानदायक हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। आज का हमारा वीडियो है कुछ खास, क्योंकि हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में किशमिश खाने के बारे में। किशमिश तो हमेशा से एक हेल्दी स्नैक माना गया है, लेकिन क्या ये प्रेगनेंसी में भी सेफ है या इसमें कुछ नुकसान छुपा हुआ है? सबसे पहले हम किशमिश के फायदे के बारे में बात करेंगे और वीडियो के अंत तक में हम बात करेंगे कि कब ये लेवर रिस्क को बढ़ा सकता है। पहले जानते हैं कि किशमिश हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। किशमिश एक पावर हाउस है न्यूट्रिशन का, जिसमें आयरन, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है। ये नॉट ओनली एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट ऑल्सो ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में और आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है। प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बढ़ जाती है, ऐसे में किशमिश का सेवन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। किशमिश में देखा गया है कि बहुत अच्छे तरीके से फोलेट की मात्रा भी होती है, जो कि आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा किशमिश आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अब हम बात करेंगे कुछ इसके होने वाले नुकसान के बारे में। प्रेगनेंसी में एक्सेसिव किशमिश खाना बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। किशमिश में नेचुरल शुगर होते हैं, जो हाई ब्लड शुगर लेवल को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा किशमिश में एक कंपाउंड होता है जो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है, जिससे आपको प्री टर्म लेबर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अब ये सवाल आता है कि प्रेगनेंसी में किशमिश खाना भी चाहिए या नहीं, और खाना चाहिए तो किस क्वांटिटी में खाना सेफ होता है। तो एक्सपर्ट की माने तो किशमिश आप 10 से 15 मात्रा में खा सकते हैं, अगर आपकी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। किशमिश प्रेगनेंसी में एक हेल्दी स्नैक हो सकता है, लेकिन इसका इंटेक मॉडरेट होना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी और हेल्थ कंडीशन में हैं, तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।